नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई के बारे में। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर कितना भरोसा किया जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता इस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मसूद अजहर को जो है वो नजरबंद किया गया हो या केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने गड़बड़ी की है, हमले के पीछे ये व्यक्ति जिम्मेदार है, इसकी साजिश है, तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसको भी लेकर इतने 3 दिन तक उहापोह और आशंका की स्थिति बनी रही, एक सीधा संवाद क्यों नहीं कायम हुआ वहां के प्रधानमंत्री कार्यालय और यहां के प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में? वहां के विदेश मंत्रालय ने यहां के विदेश मंत्रालय को सीधी सूचना क्यों नहीं दी? मीडिया में इस तरह की खबरें क्यों लीक की गई कि मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है? हमें कई बातें समझनी होगी। देखिए, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा तगड़ा दबाव है। निश्चित तौर पर यह अमेरिकी दबाव है, उसके बिना पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरा, जो अभी मोदी जी ने यात्रा की है उसका दबाव है। वो जब वहां मिलने गए हैं, सब बातें हुई, उसके बावजूद यह हमला हो जाता है, तो वहां का प्रधानमंत्री कार्यालय भी सकते में होगा कि यह कैसे हुआ और उन्होंने इस दबाव में कुछ ना कुछ कदम उठाते हुए दिखाया है। यहाँ पर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि जैश ए मोहम्मद जो है वो पहले से ही एक ऐसा संगठन है जिसके बीच में और ISI के बीच में कोई बहुत मधुर संबंध नहीं है। उसके बावजूद उसका वहां बने रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के तत्वों को ISI ने, पाकिस्तानी सेना ने, कई बार वहां की सरकार ने खूब पनाह दी है। लेकिन मसूद अजहर शुरू से एक बिगड़े बोल वाला आतंकवादी सरगना है और उसने वहां के ISI को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है। तो पहले देखिए कि अतीत में भी उनके ऊपर जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई हुई है, प्रतिबंध भी लगे और प्रतिबंधित संगठन की सूची में होने की वजह से तुरंत उसको ये दिखाया गया कि हम हिरासत में ले रहे हैं और उनसे पूछताछ करेंगे और नजर रखेंगे और जानकारी, इसका क्या मतलब है? ठीक, एक तो ये समझना मुश्किल है। दूसरा, जिस तरीके की कार्रवाई वो करने की बात कर रहे हैं, वैसी कार्रवाई कभी लश्कर ए तैयबा पर या जमात उद दावा पर या दूसरे तमाम आतंकवादी संगठनों पर क्यों नहीं हुए उतनी ज्यादा शिद्दत के साथ? आप कहीं ना कहीं बड़ा कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है, तब वो इस तरह के कदम उठाने पे मजबूर हुआ है। हम तो केवल ये मान सकते हैं कि इस तरह का दबाव बना रहे, उनकी विचारधारा ऐसी बनी रहे कि उनको आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी है, चाहे वो इच्छा से करें या मजबूरी में करें। अपने आप अनकने वाले आतंकवाद पर अगर वो कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर ये अच्छा संकेत है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये भारत को भ्रमित करने की कोशिश है? कुछ हद तक है। सारे रक्षा विशेषज्ञों की आप बात सुने, पाकिस्तान का पुराना इतिहास उठाकर देखें तो सहसा विश्वास नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसका इस तरह का रिकॉर्ड रहा हो, कोई राष्ट्र जिसका ऐसा रिकॉर्ड रहा हो, क्या मसूद अजहर ने जहर उगलना बंद कर दिया? आपकी हिरासत की खबरों के बावजूद वो लगातार कहता रहा कि मुझ पर हंसने वाले लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाएंगे, मैं बताऊंगा, मैं भारत को जवाब दूंगा। जब वो व्यक्ति आपकी हिरासत की खबरों के बावजूद भी इतने दुस्साहसपूर्ण बयान दे सकता है, तो उसी से हमको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये कार्रवाई दिखावा नहीं। भाई, जो व्यक्ति को आप अपराधी मानकर इस तरीके से हिरासत में रख रहे हो, नजरबंद रख रहे हो और उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हो, कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हो, क्या उसकी हिम्मत होनी चाहिए इस तरह के बयान देने की? और क्या फिर इसे मोदी की कूटनीतिक जीत के रूप में भी देख सकते हैं? देखिए, ये जरूर हम देख सकते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ये तो मानने को तैयार हुआ कि इस आतंक के जो बीज थे वो पाकिस्तान की धरती से उगे थे। इस कार्रवाई का एक संकेत ये तो स्पष्ट है ना, ये तो उन्होंने माना है कि ये हमारे यहां हुआ, चाहे उन्होंने हिरासत में लिया हो, नजरबंद किया हो, गिरफ्तार किया हो, आगे जाकर कार्रवाई नहीं करें, स्वीकारोक्ति तो है। 26/11 के हमले के बाद तो उन्होंने अजमल कसाब को मानने से, उसको पाकिस्तानी मानने से, वहां के गांव के वीडियो फुटेज आ गए हैं टेलीविजन चैनलों पर, जियो ने भी दिखाया, वहां के खुद के टेलीविजन चैनलों ने उसके गांव के और परिवार के साक्षात्कार दिखाए, तो वो लगातार मना करते रहे कि ना हमारे यहां से आतंकवाद पनपा है, ना अजमल कसाब हमारा है, ना हम इसको स्वीकार करेंगे, हम इसकी लाश को भी नहीं ले जाएंगे, आप फांसी पे भी चढ़ा दोगे तो हम लेने नहीं आएंगे। आज वो स्थिति में तो है कि हाँ भाई, आपके यहाँ पठानकोट पर हमला हुआ, कहीं ना कहीं इसके तार हमारे यहां से जुड़े हैं, ये हमारे यहां धरती पर इसका विचार पनपा है, हमारे यहां के मसूद अजहर को आप मानते हैं कि इसने किया है तो हम उस पर कार्रवाई करें। इसका मतलब ये जो स्वीकारोक्ति है, मैं ये मानता हूं ये स्वीकारोक्ति कि ये वहां से ही शुरू हुई है, इस आतंक की सारी गतिविधि की शुरुआत वहां से हुई है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि देश की सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है, इसे किस तरह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि ये फिर वही बात है जब कांग्रेस भी जब शासन में थी और वो कहती थी कि हम ऐसा कर देंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे, अब हम नहीं सहेंगे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। आप देखिए कि दर हकीकत क्या रक्षा मंत्री के नाते उनको अपने सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसा कहना जरूरी है, लेकिन आप बताइए कि परिकर साहब से फिर ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप रक्षा मंत्री हो, पठानकोट हमारे देश के 4 बड़े जो सामरिक महत्व के स्थान माने जाते हैं उनमें से एक है, पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक का एयरबेस वही है, उसकी 4 दीवारी के भीतर आप 6 दिन तक आतंकवादियों को कब्जे में नहीं कर पाए, सड़क पे घूमने वाले आतंकवादियों की आप क्या बात कर रहे हैं?
वहां पर बात आ रही कि वो इतना सारा 50 किलो गोला बारूद, 50 किलो कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं होती है कि जेब में रख के ले गया आदमी, किसी गाड़ी में रख के ले गया 50 किलो असला, तो 50 किलो असला आपके एयरबेस में कैसे घुसा? परिकर साहब पहले ये बताओ ना, सैनिक की क्षमता तो बाद में बात कीजिए। आप हम जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते तो हम पाकिस्तान को कोसते हैं, हमने पहले भी बात की, आप पाकिस्तान को किस बात के लिए कोस रहे हो? आपके घर में इतने बड़े बड़े सुराख हैं जिनके भीतर से होकर हमारी व्यवस्था, हमारा आत्मसम्मान छलनी होता है। आप मंच से बड़े बड़े भाषण मत दीजिए, आप ये बताइए कि उस चार दीवारी को मजबूत कब करेंगे जिसमें कोई भी घुस जाता है? उन लोगों को के ऊपर कब नकेल कसेंगे जिन्होंने इन आतंकवादियों को पैसा लेकर या कुछ भी दूसरे स्वार्थ की खातिर हमारे एयरबेस में घुसने दिया? कैसे ये रात भर वहां छुपे रह सके? हमारी सीमा से इतने किलोमीटर भीतर आकर ये दो दिन तक जिंदा कैसे रह गए? हमारे एक एसपी के द्वारा उनको यहां लाए जाने की बात सामने आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? एनआईए की जांच में अभी तक क्या तथ्य सामने आए? इन सवालों के जवाब दीजिए। हमने सहने की क्षमता खत्म कर दी, हम कठोर कार्रवाई करेंगे, इन भाषणों से मन उब चुका है। आपकी सरकार ने अलग होने का दावा किया था, परिकर साहब की छवि भी एक बहुत अलग तरह के राजनेता की है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में आपने बहुत नाम कमाया है, रक्षा मंत्री के रूप में आपके मंसूबे मंच से नहीं मैदान में जाहिर होने चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान की कार्रवाई की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।